छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों के प्राकृतिक जीवन में अडानी फाउंडेशन रोशनी और उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। सरगुजा में अडानी फाउंडेशन के तहत महिला उद्यमी बहुउद्देशीय सहकारी समिति ग्राम पंचायत परसा का निर्माण किया गया, जिसमें आसपास के 12 गांव की महिलाएं भी शामिल थीं। इनमें महिलाओं को अलग अलग कार्यों में सक्षम बनाने के लिए सहयोग किया गया। ये सभी महिलाएं आज महिला समूहों द्वारा छोटे छोटे यूनिट स्थापित कर अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही हैं। महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित इन केंद्रों में महिलाओं के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स, फसलों के लिए वर्मी कंपोस्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स और मसाले आदि बनाए जाते हैं। इनकी सप्लाई दूर दूर के इलाकों में भी की जाती है। केंद्र प्रमुख और मार्केटिंग हेड का इस पर क्या कहना है, सुनिए। मैं महिला उद्यमी सहकारी समिति में सैनिटरी पैड प्रोजेक्ट हेड हूँ और मार्केटिंग हेड भी हूँ। तो हम लोगों ने जो समिति के थ्रू यहाँ पे सैनिटरी पैड प्रोजेक्ट डाला है, तो जो पैड का उत्पादन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो हमारे गांव क्षेत्र है लोकल सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का, तो ये बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे पहले पैड का उपयोग बहुत कम होता था और कपड़े का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, तो इसको हम लोग पैड के यहाँ पे उत्पाद करके और गांव-गांव में लोगों तक, महिलाओं के बीच में SHG के थ्रू, स्कूलों में, जो स्कूल है हमारा मिडिल स्कूल है, कॉलेज है, हाई स्कूल है, इसमें जो हमारी बच्चियां पढ़ती हैं, वहां पे हम लोग जाके और इसका मतलब एक प्रकार से इसको दिखाते हुए कि कैसे पैड बनाते हैं, विजिट के थ्रू भी यहां हम लोग विजिट के लिए भी बुलाते हैं, विजिट भी कराते हैं लोगों को और दिखाते हैं कि पैड कैसे बनता है, पैड का क्या उपयोग है, पैड क्यों उपयोग करना चाहिए, इस तरीके से हम लोग करते हैं और डेमो करके भी हम इसको दिखाते हैं। इन केंद्रों के माध्यम से न केवल महिलाओं को रोजगार मिल रहा है बल्कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास बड़े स्तर पर हो रहा है। सरगुजा की महिलाएं जो पहले घर से ही काम करती थीं, अडानी फाउंडेशन की मदद से आज बड़े पैमाने पर सफल कारोबार कर रही हैं। हम लोग का जैसे परसा में मसाला है और दीदी की रसोई है, डेयरी है, जैविक है और नेपियर घास है और खेती उपवन भी एक हम लोग बनाए हैं, उसमें साग भाजी खेती करते हैं। जैसे ये डेयरी चलता है तो डेयरी का जो भी जैसे दूध निकलता है, दूध दही घी, वो कहाँ खपत होता है? ये वाला हम लोग गुमगा कॉलोनी में देते हैं और ABM स्कूल में देते हैं और गांव में जो ठीका लेते हैं उनको दे देते हैं और जो बच जाता है, संडे को बचता है दूध, उसका हम लोग खोआ बना लेते हैं, पनीर बनाते हैं। अडानी फाउंडेशन ने न केवल आदिवासी इलाकों के इन गांवों में रोजगार पहुंचाने का काम किया है बल्कि यहां के लोगों को शहरों से जोड़ा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होगी। अभी हम लोग जैसे गांव लेवल में मसाला का उत्पादन कर रहे हैं, तो गांव में हमारे किसान भाई द्वारा जो हल्दी होता है उसको हम लोग खरीदते हैं, बाकी धनिया है, मिर्ची है, ये सब बाहर से खरीद के लाते हैं। तो और का हमारे समिति में 250 महिलाओं का ग्रुप है, जिसमें से कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सब समिति में जुड़कर भी पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी। और गांव के महिला तो पढ़े नहीं, केवल घर तक ही सीमित रहते थे, आज उनको हम लोग घर से बाहर निकालने के लिए सिखाए हैं और एक एक प्रोजेक्ट में उनको रोजगार दिए हैं, तो आज उनका भी इनकम हो रहा है, साथ साथ में हम लोग सब इनकम कर रहे हैं। अपने आर्थिक स्थिति में सुधार था, पहले घर में जैसे रहते चूल्हा चौकी कहीं पर भी जाते उसके चुगली उसके इतने तक, आज काम कर रहे, दो पैसा आ रहे, हम अपने बच्चे को भी बाहर पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं और बाहर भेजे भी हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। हमारा भी आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया है, घर से सपोर्ट मिलता है, पहले कुछ जानते भी नहीं थे कि हमको जैसे बाहर किससे कैसे बात करना है, का है, ये सब चीज आज हम लोग काम करते हुए सीखे हैं।